तो मैंने कहा इसके घर में तो ऑर्डर नहीं मानता, वी हैव ईमान अली, वी हैव ईमान अली, हां ईमान अली खुदा के लिए, खुदा के लिए यार, खुदा जी ईमान अली तो बताइए आप इतने नखरे क्यों करते हैं मेरे शो पे आने के लिए? उसकी वजह ये इरज से पूछ रहे हैं। देखिए मैं विनी यहाँ खुद शान शान अब मैं विनी हूँ। हम तीनों की एक और फ्रेंड है, वो है हीरा, जिसे हम प्यार से चपाती कहते हैं। अच्छा हाँ। तो वो भी जो है वो बड़ा मिस कर रही है हमें, और ये है कि हम ब्यूटी पार्लर एक साथ जाती हैं, कुछ ज्यादा हो गया। हाँ, टू मच इन्फॉर्मेशन। वैसे डू यू हैव एनी वुमेन ऑन योर शो? उस शो में ना उन्होंने ये कर लिया, तुम लोग क्यों नहीं करते? औरत देखे ये यूं चल रहा है, वो इसको कह रहे, मुझे कह रहे, मेरे यहाँ पर कोई भी नहीं है। नहीं तो कभी हुआ है, हैव यू हैड? हाँ बिल्कुल, काफी अक्सर होता रहता है ऐसा। स्पेशल गेस्ट? हाँ स्पेशल गेस्ट होती है। हाँ? लेकिन स्क्रीन पे नहीं होती, स्क्रीन बिहाइंड नहीं, हर एक के पीछे खातून का हाथ है। हाथ है, एग्जैक्टली है। हर कामयाब मर्द के पीछे खातून का हाथ होता है, क्योंकि नाकाम मर्द के पीछे खातून नहीं जाती। ये क्यों कहा जाता है? नाकाम के पीछे नहीं जाती, नाकाम के पीछे उसके घर वाले नहीं होते, खातून का हाथ होता है। फेवरेट पॉलिटिशियन अपार्ट फ्रॉम शेख रशीद? अपार्ट फ्रॉम शेख रशीद, जिसे कहते हैं ना कि बहुत आसान लगा, वैसे हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर वो काफी, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, वो साफ आदमी थे, इतनी सफाई से गए, पता ही नहीं चला। तुमने इन सबको बुलाया है, बच्चे जस्ट वांट टू से दिस आर वेरी क्यूट बॉयज। आटे की बात आती है, मैं कहता हूँ यार तुम चावल खा लो। सीरियसली वो वाकई उसने सही कहा कि जिस सफाई से वो गए ना, बड़े साफ आदमी, बड़े साफ आदमी। मैं कहता हूँ उन्होंने बहुत अच्छा स्टेप लिया, उन्होंने कहा कि इस मुल्क में लाइट नहीं है, उन्होंने बुर्दम बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने कहा कुछ डॉलर कमा लूंगा, ठीक है हेलीकॉप्टर पे गुजारा कर लूंगा, मगर इस मुल्क में नहीं रह सकता, नहीं रह सकता, लाइट नहीं है। रियल रियल में वैसे मुझे जो पर्सनली पसंद है ना, वो मुझे शेर ऑफ नियाज़ी बहुत पसंद है, शेर ऑफ अफगान। ऐसी बात नहीं, नहीं मुझे वो कला अच्छे लगे अगेंस्ट शेर अफगान। मतलब मैं कहता हूँ पाकिस्तान में, मैं कहता हूँ टैलेंट की कमी नहीं है, कौन कहता है रेसलर नहीं है हमारे पास? रेसलर खतरनाक, एक बंदा खड़ा हुआ है गाड़ी के ऊपर, यार प्लीज चले जाओ। वैसे हम लोग जी, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम मरीना, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, कौन बोल रहे हैं? मैं मिसेज हाशमी बोल रही हूँ इस्लामाबाद से। जी मिसेज हाशिम, हाशमी, सॉरी हाशमी जी, जो आपने बिठाया के बातें कर रही है ना इनसे। हाँ जी, आपको जितनी आप हंस रही है उससे डबल हम लोग हंस रहे हैं। ओ जबरदस्त, सो गुड, डबल ए डबल ए डबल ए। कैसी है आप मिसेज हाशमी? डबल ए की बात नहीं है, बाकी ये जो है बीच में, मेरे ख्याल से ये शेख रशीद की नकल बहुत उतारते हैं, इनसे कहें जरा इधर परफॉर्म तो करें। देखिए जी ये गलत बात है, मैं शर्मा लगाता हूँ जी हाशमी का। और मैं तो ये कहता हूँ कि बस जी सीएनजी रिक्शा है जी, हमारे सदर साहब ने निकाला है, रोजगार स्कीम में होता है ये। मुझे लगता है कि वो वापस आएंगे तो ये नजर नहीं आएंगे। नहीं नहीं, वो हमारे बहुत से दोस्त हैं, वो वापस आ रहे हैं। क्या बात कर रही है, खबर ये है कि वापस नहीं आ रहे हो? अच्छा आप क्या करती हैं मिसेस हाशमी? वहाँ से तुर्की करीब। अबे रुको ना यार, थोड़े फॉर्मल चाहिए ना, चाहिए ना। आप क्या करती हैं? मैं जी आप लोगों को देखती हूँ बस, और क्या करती हूँ। बहुत अच्छा करती हैं, बहुत अच्छा हाशमी, घर के काम किया करें कुछ। आप तो चैनल का नाम लेते हो डर रहे हैं, लेकिन मैं बताऊँ की आज चैनल की बात ही कुछ नहीं। आज चैनल वाके आज इस चैनल की बात ही, मरीना जो है, मरीना ने आप लोगों को बुला के बहुत बड़ा काम किया है। तो बहुत बड़ा काम, बहुत कारकर्दगी आपका हुआ। नहीं मरीना का हुआ ना,
मैं जाते हुए 101 रुपए शगुन को देता जाऊंगा। हम बहुत बाकी हमें इस बात की बहुत खुशी है क्योंकि हमें इनका शो भी बहुत पसंद है। मरीना हमें बहुत पसंद है खुद बचपन से। क्या बात है, मरीना ने तो इस शो में जान डाल दी है। एग्जैक्टली। और मरीना मैंने पहली दफा कॉल की है किसी भी प्रोग्राम में। थैंक यू। वरना तो हमें अपने हमें अपने चैनल के मॉर्निंग शो में कोई नहीं मिलाता। सीरियसली कोई सीरियस ही नहीं लेता हमें। मैं तो तैयार होकर जॉर्ज के सामने से गुजरता हूँ। करण अर्जुन वो कहता है कि जॉर्ज को तो आप लोग ऊपर मुंह उठा के देखते होंगे। नहीं नहीं जॉर्ज बहुत अच्छे इंसान है। हम स्टेज पे चढ़ के देखते हैं, हमारे पास एक स्टूल है इतना बड़ा, जॉर्ज से मिलना होता है वो लेके जाते हैं। और हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वही सारा स्क्रिप्ट लिखते हैं। और अगर आपने लंदन के जाले वीजा लगवाने हो तो भी जॉर्ज। यार मेरा बात तुम समझ नहीं। थैंक यू। इनको दोबारा प्लीज बुलाना, मेरे ख्याल से आज के प्रोग्राम कल दोबारा कल मेरा पिंक वाली जॉइन करूंगा। मेरी लिटरली मैं तो ऑफर कर रहा हूँ मरीना को। मरीना इनसे कहें कि आपस में शर्ट एक दूसरे से बदल लें। इसका एक ही फुटबॉल का मैच हो रहा है क्या? देखिए ऑन एयर तो नहीं हो सकेगा। नहीं नहीं होगा, नहीं 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 है। और भी और नहीं, मतलब नेक्स्ट प्रोग्राम में कभी भी आए तो ये कल आ रहे ना कल कल। हाँ, देखिए मैं मरीना को मैं तो ऑफर कर रहा हूँ कि किचन मुझे इसको किचन दे दें, मुझे एक्सरसाइज दे दें, इसको कुछ और दे दें। हम तैयार करेंगे, अभी हम करेंगे। ब्यूटी का प्रोग्राम दे दें, जो ब्यूटी खुद ब्यूटी 8 घंटे लगाते थे। मैं बड़े के पाए बनाऊंगा अभी थोड़ी देर में। और खैर ये तलत हुसैन की एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं। तलत हुसैन कौन है? तलत हुसैन कौन है? ये जो बैठे हैं शुरू में, खालिद भट्ट क्या नाम है इनका? एक्चुअली मैं आपको बताऊं, तलत हुसैन मेरी नकल करते हैं यार। आए हाय बेचारा तलत हुसैन की नकल करते हैं। और एक और चैनल है उसके ऊपर एक होस्ट आते हैं, मूंछों वाले करली बाल हैं। अच्छा, वो मेरी बड़ी नकल करते हैं। मैं अक्सर जो है वो दोस्तों में ये बातें करता हूँ। अच्छा जी, मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगा कि ठीक है जी, मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि आप गोइंग ऑन अ ब्रेक, रुक जाना हमारे साथ, कहीं ना जाएंगे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं।